देश के अधिकतर राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया है कि इस साल कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अब देखना है कि पिछले वर्ष 2019 के दिसंबर में 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड का इस बार कितना भीषण रूप रंग अख्तियार करने वाला है, क्योंकि पिछले महीने नवंबर में ही ठंड ने 71 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तर भारत तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। यह गिरावट 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक होगा। हालांकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में दिन के दौरान धूप निकलने से राहत रहेगी, लेकिन रात में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे देश में सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर 1 दिसंबर को जारी की गई प्रेस रिलीज की माने तो अगले 2-3 दिनों के लिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की सर्दी का जायजा ले तो दिल्ली NCR में लगातार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार सुबह दिल्ली NCR में धुंध छाई रही, लेकिन दिन भर आकाश साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।